पूरे विद्यार्थी साथियों जय हिंद इस वीडियो में हम गांव की बेटी योजना के बारे में आपको बता रहे हैं यह योजना उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रारंभ की गई है यह एक प्रोत्साहन योजना है जिसका लाभ मध्य प्रदेश में रहने वाली बेटियों को प्राप्त होता है इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तें क्या है कितने रुपये लाभ के तौर पर प्राप्त होते हैं और इसकी प्रोसेस क्या है इन सब विषयों पर आज चर्चा होगी यह करियर एडवाइस चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए धन्यवाद इस समय सत्र 2022-23 के लिए गांव की बेटी योजना के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो गए हैं ऐसे में यदि आपको इसकी जानकारी होगी तो आप निस्संदेह इसका लाभ उठा सकेंगे वैसे तो यह वीडियो छात्राओं के लिए है लेकिन ऐसे छात्र भी इस वीडियो को देखे जिनके घर में कोई ऐसी महिला सदस्य हो जो अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं और इस योजना का लाभ वह उठा सकती हैं या आस पड़ोस परिजन मित्रों आदि में जानकारी देने के लिए ये सूचनाएं आपके काम आएंगी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक स्लाइड देखिए यह स्लाइड उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से ली गई है अतः इसमें जो भी जानकारी है वो शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी ही है तो चलिए हम शुरू करते हैं जानना इस स्लाइड के माध्यम से पहले कॉलम में आप देख पा रहे हैं आवेदक की पात्रता दूसरे कॉलम में लाभ राशि और तीसरे कॉलम में आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया हम सबसे पहले बात करेंगे आवेदक की पात्रता की तो यहाँ पर तीन बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहली आवश्यकता है कि छात्रा गांव की निवासी हो अर्थात गांव की बेटी योजना ग्रामीण छात्राओं के लिए है दूसरा गांव में रहकर गांव की पाठशाला से बारहवीं कक्षा न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो तो दूसरी शर्त है कि अध्ययन भी किसी गांव में ही हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ बारहवीं की परीक्षा भी गांव से ही उत्तीर्ण की गई होनी चाहिए और बारहवीं की परीक्षा में कम से कम साठ प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों ऐसी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है तीसरी शर्त है कि शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो यानी बारहवीं उत्तीर्ण करने के बाद उनने या तो गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो तो ये तो हो गई आवेदक की पात्रता अब लाभ राशि की बात करते हैं इसके अंतर्गत छात्रा को प्रति माह पाँच सौ रुपया प्रोत्साहन राशि मिलती है और यह राशि दस माह के लिए मिलती है यानी कुल मिलाकर एक सत्र में पाँच हजार रुपया प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जा सकती है पाँच हजार रुपये की राशि के माध्यम से छात्रा पुस्तकों स्टेशनरी कोचिंग आदि की व्यवस्था आसानी से कर सकती है और ये उसके लिए पाँच हजार रुपये अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं चलिए तीसरे कॉलम की तरफ चलते हैं आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है तो पहली प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किए जाते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं यहाँ पर आप एक संशोधन समझ लीजिए ये जो आवेदन हो रहे हैं ये स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर हो रहे हैं तो आप उस पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं या एम ऑनलाइन में जाकर वहां पर जो भाई साहब हैं उनके माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं दूसरी प्रक्रिया का हिस्सा है कि स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो फिर उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट और कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ अन्य प्रपत्र आपको कॉलेज में जमा करने होते हैं अलग अलग कॉलेज में इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए अलग अलग डेट्स दी जाती हैं तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करके पता करें कि आपके कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करना है वो किन तारीखों में जमा हो रहे हैं तीसरा स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है ध्यान दें कि आपका बैंक अकाउंट होगा ही यदि आपकी प्रोत्साहन राशि स्वीकृत होती है तो उस राशि का जो पैसा है यानी पाँच हजार रुपया या नियमानुसार जितने माह का आपका पैसा बन रहा है वह राशि सीधे आपके बैंक के खाते में जमा होगी अगला इसमें बिंदु दिया है यह योजना प्रोत्साहन योजना है अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है ऐसा सूचना के तौर पर दिया है इस संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं और कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कमेंट करते समय अपना नाम अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही बताइए करियर एडवाइस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी संचालिका प्रीति गुलवाने जी के प्रति बहुत बहुत आभार कि इस मंच से मुझे महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला आप सभी को शुभकामनाएं नमस्कार